गुड मॉर्निंग। तो हम मानव भूगोल के सिद्धांतों की बात कर रहे थे। उन सिद्धांतों में हम ऑलरेडी दो सिद्धांत पढ़ चुके हैं। पहला हमने पढ़ा है क्रियाशीलता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, और जो दूसरा पढ़ा था हमने वो था हमारा पार्थिव एकता का सिद्धांत या अंतर संबंधों का सिद्धांत, जिसको प्रिंसिपल ऑफ टेरिस्टेरियल यूनिटी या प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप भी कहा जाता है। तो जो तीसरा और लास्ट सिद्धांत हमारा बचा हुआ था वो है वातावरण समायोजन का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट। ये सबसे सिंपल सिद्धांत है, इसमें कुछ नहीं है। देखो, जो मेन क्रक्स इसका है ये है कि मानव भूगोल का प्रमुख जो कार्य क्षेत्र है वो मानव केंद्रित है, अर्थात मानव भूगोल में जो भी होता है वो मानव को केंद्र में मान के किया जाता है, और मानव जो है उसको प्रकृति द्वारा कुछ बाधाएं उत्पन्न की जाती हैं, प्रकृति कुछ उसको संभावनाएं देती हैं, साथ साथ उसको कुछ बाधाएं भी देती हैं। तो उन बाधाओं से पार पाने के लिए मानव अपने आप को वातावरण के प्रति समायोजित करता है, और यही कहलाता है वातावरण समायोजन का सिद्धांत। देखो, मानव भूगोल में मानव की स्थिति क्या होती है? केंद्रीय। और इसके आधार पर मानव की केंद्रीय स्थिति मान के वो मानव भूगोल में हम क्या करते हैं? मानव और प्रकृति के परिवर्तनशील स्वरूपों का अध्ययन एवं व्याख्या करते हैं। तो वातावरण जो समायोजन है वो भूगोल का एक महत्वपूर्ण पहलू है। मनुष्य जब पृथ्वी पर निवास करता है तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ आर्थिक क्रियाएं भी संपादित करता है, और इन आर्थिक क्रियाओं को संपादित करने में प्रकृति कभी उसे सहयोग देती है और कभी उसके अगेंस्ट बाधाएं उत्पन्न करती हैं। इन्हीं बाधाओं को दूर करने के लिए मानव जो है प्रकृति के साथ क्या होता है? समायोजित होता है। यही जो सिद्धांत है वो कहलाता है आपका वातावरण समायोजन का सिद्धांत, अर्थात मानव स्वयं को प्रकृति के अनुरूप ढालने के लिए जो एक्टिविटीज़ करता है वो आपका किस में आएगी? वातावरण समायोजन में, वातावरण समायोजन के सिद्धांत में। ठीक है, तो अब ये जो समायोजन है ये आपका दो प्रकार से हो सकता है। पहला, जिसमें वह स्वयं को प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप ढाल लेता है, जिसको कहा जाता है अनुकूलन या एडेप्टेशन, और दूसरा जिसमें वो अपने आप को परिवर्तित या रूपांतरित कर लेता है, अर्थात प्राकृतिक वातावरण को अपने अनुकूल बनाने के लिए वह उसका रूप परिवर्तित कर देता है, वह प्रकृति को ही परिवर्तित कर देता है या प्रकृति में आंशिक या पूर्णतः परिवर्तन कर देता है, अर्थात वो क्या करता है? प्राकृतिक तथ्यों को परिमार्जित करता है। ये कहलाता है आपका रूपांतरण। तो पहला हो गया अनुकूलन और उसके बाद में हो गया रूपांतरण। अब देखो, वातावरण समायोजन के सिद्धांत को कुछ लोग विशिष्ट जीवन पद्धति का सिद्धांत भी कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशल स्पेसिफिक लाइफ स्टाइल। तो क्यों क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अनुकूलन और मॉडिफिकेशन या रूपांतरण करने में एक विशिष्ट जीवन पद्धति अपनाई जाती है, इसी कारण से इसको विशिष्ट जीवन पद्धति का सिद्धांत भी कहते हैं। अब देखो, वातावरण समायोजन का ये चार देख सकते हो आप। एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट, तो एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट जैसा कि मैंने बताया कि दो प्रकार से हो सकता है, पहला है आपका अनुकूलन के माध्यम से और दूसरा होता है आपका मॉडिफिकेशन या परिवर्तन के माध्यम से। तो अनुकूलन क्या है? अनुकूलन है मनुष्य द्वारा वातावरण के विभिन्न कारकों के प्रभाव के अनुसार अपने आप को समायोजित करने की प्रक्रिया। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, मनुष्य द्वारा वातावरण के विभिन्न कारकों के प्रभाव के अनुसार अपने आप को समायोजित करने की प्रक्रिया अनुकूलन है। ठीक है, इस प्रक्रिया के अंतर्गत मनुष्य क्या करता है? स्वयं को अपने वातावरण के अनुसार अनुकूलित कर लेता है, मतलब वो अपने आप को अडेप्ट कर लेता है, अर्थात किसी जीव के द्वारा अपने वातावरण के अनुसार स्वयं को ढाल लेना। ये हो गया अनुकूलन। अनुकूलन दो प्रकार का हो सकता है, आंतरिक अनुकूलन या बाह्य अनुकूलन, इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक एडेप्टेशन। आंतरिक अनुकूलन व्यक्ति स्वयं चाह के कर सकता है, वॉलंटियरिंग कर सकता है, या वो फोर्सफुली उन एक्टिविटीज़ को करने के लिए बाध्य होता है जो उसको वातावरण के अनुसार ढालने में मदद करते हैं। दूसरी चीज़ है इसमें परिवर्तन। परिवर्तन क्या होता है? परिवर्तन है किसी
किसी भी वातावरण में अपने अनुकूल परिवर्तन कर लेना या रूपांतरण, अर्थात प्राकृतिक वातावरण की कठोरता से बचने के लिए मनुष्य जो कृत्रिम उपाय अपनाता है उसे क्या कहते हैं? रूपांतरण। जैसे कैसे बोल सकते हो, जैसे कि रूपांतरण में क्या होगा, जैसे मानव अपने परिवेश, जैसे उष्ण प्रदेशों में रहने वाले लोग रेफ्रिजरेशन का यूज़ करते हैं या फिर एयर कंडीशनिंग का यूज़ करते हैं, एसी का यूज़ करते हैं, वो आपका कहलाएगा वातावरण को मॉडिफाई करना, ठीक है। या ऐसी छतों का उपयोग करना जो वेंटिलेशन वेंटिलेशन ज़्यादा दें, तो ये अपने आप अपने पर्यावरण को अनुकूलित करना, मॉडिफाई करना हो गया, परिवर्तन करना हो गया। अब देखो, मॉडिफिकेशन दो प्रकार का है, एक आप करते हो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में मॉडिफिकेशन, प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन, और जो दूसरा होता है वो आपका कल्चरल वातावरण में परिवर्तन या सांस्कृतिक वातावरण में परिवर्तन। मॉडिफिकेशन इन नेचुरल एनवायरनमेंट का मतलब है पहाड़ी खेतों पर सीढ़ीदार कृषि करना, ठीक है, मृदा को खाद डालकर उर्वर बनाना, सिंचाई सुविधाओं का विकास करना, जैसे रेगिस्तान में यदि आप सिंचाई करना चाह रहे हो तो आपको पहले सिंचाई सुविधाओं का विकास करना होगा, या अर्धशुष्क प्रदेशों में यदि आप कृषि करना चाह रहे हो तो आपको वहाँ पर सिंचाई सुविधाओं का विकास करना होगा। तो ये क्या करते हो, आप अपने प्राकृतिक वातावरण को परिवर्तित करते हो। जैसे इसका एक एग्जाम्पल बताते हैं, जो टुंड्रा प्रदेश है वहाँ के जो निवासी हैं, जैसे एस्किमोज, एस्किमोज वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है तो वो वातावरण से समायोजित करने के लिए वहाँ पे इग्लूज बनाते हैं, उनके जो घर हैं उनको इग्लू बोलते हैं, जो बर्फ़ के बने होते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में वातावरण समायोजन में हम जब ट्राइब्स के बारे में पढ़ेंगे, जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि वो कैसे अपने वातावरण के साथ समायोजित होते हैं, तो उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देखेंगे इसके बारे में। तो ये तो हो गया कि मानव अपने प्राकृतिक वातावरण को परिवर्तित करता है। दूसरा जो है वो है आपका क्या, वो सांस्कृतिक वातावरण में भी परिवर्तन करता है, अपने कल्चरल एनवायरनमेंट में भी परिवर्तन करता है। कैसे परिवर्तन करता है, भाषा संस्कृति और रहन-सहन और खान पान में परिवर्तन करके, ठीक है। इस प्रकार जो ये दोनों सिद्धांत हैं, अनुकूलन और परिवर्तन, दोनों जो कॉन्सेप्ट्स हैं अनुकूलन और परिवर्तन, इन दोनों का जो सम्मिलित रूप है वो है आपका वातावरण समायोजन का सिद्धांत, ठीक है। अर्थात क्या बोल सकते हो, अनुकूलन और रूपांतरण की सम्मिलित प्रक्रिया, इन दोनों की सम्मिलित प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, आपकी वातावरण समायोजन का सिद्धांत। देखो, वातावरण समायोजन जो है ना वो सार्वभौमिक नहीं होता। सार्वभौमिक नहीं होता मतलब वातावरण में जो प्रत्येक स्थान पर जो अनुकूलन या मॉडिफिकेशन पाया जाता है वो सब जगह एक जैसा नहीं होता, वो वहाँ की स्थितियों के आधार पर निर्धारित होता है, ठीक है। और प्रत्येक क्षेत्र में मनुष्य अपने स्वयं के रिसोर्सेज के आधार पर, संसाधनों के आधार पर या तकनीकी के आधार पर उसको समायोजित करता है, ठीक है। इस प्रकार जो समायोजन का सिद्धांत है वो प्रादेशिक है। प्रादेशिक का मतलब वो रीजन टू रीजन डिफर करता है, प्रत्येक क्षेत्र का भी भिन्न हो सकता है, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वातावरण समायोजन के सिद्धांत में क्या नहीं होती, वातावरण समायोजन के सिद्धांत में सार्वभौमिकता नहीं पाई जाती, सार्वभौमिकता नहीं पाई जाती। तो इसको कंक्लूड करते हैं, देखो वातावरण मानव भूगोल का तीसरा सिद्धांत है वो वातावरण समायोजन के साथ है, वातावरण समायोजन से संबंधित है। ये हमें प्रकृति और मानव के परस्पर अनुकूलन और समायोजन का ज्ञान करवाता है, ठीक है। ये हमें बताता है कि प्रकृति के साथ मानव ने कैसे अनुकूलित किया है और कैसे अपने आप को समायोजित किया है। विश्व के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली प्राकृतिक परिस्थितियों में मानव ने किस प्रकार समायोजन का अपने जीवन को सुखी और सरल बनाया, ये सब हम समायोजन के सिद्धांत से सीखते हैं, पढ़ते हैं। ये सिद्धांत हमें बताता है कि मानव जीवन को परिस्थिति के अनुकूल अनुरूप कैसे अपने आप को अनुकूलित करना है और कैसे अपने आप को परिवर्तित करना है, कैसे प्रकृति को अपने हिसाब से परिवर्तित करना है, ठीक है। और वास्तव में ये सफल जीवन की कुंजी है, अर्थात मानव मानव और प्रकृति को यदि संतुलन में रहना है तो समायोजन का सिद्धांत मानव को अपनाना ही पड़ेगा। तो ये हमारा थर्ड सिद्धांत था, वातावरण समायोजन का सिद्धांत, ये भी हो गया।
अभी तीनों सिद्धांत कंक्लूड हो गए हैं। पहला जो आपका है वो है क्रियाशीलता का या एक्टिविटीज़ का, दूसरा है आपका पार्थिव एकता का सिद्धांत, और जो तीसरा सिद्धांत है वो है आपका वातावरण समायोजन का सिद्धांत। इन तीनों सिद्धांतों को जब आप एक साथ पढ़ते हो, एक साथ इनके ऊपर विचार करते हो, तभी मानव भूगोल की जो एकता है वो बनी रहती है। अर्थात मानव भूगोल का जो अध्ययन क्षेत्र है या मानव भूगोल में जो भी हम पढ़ते हैं वो तीनों सिद्धांतों को साथ लेके पढ़ते हैं, एक्टिविटी, टेरिस्ट्रियल यूनिटी और एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट। ठीक है, तो तीनों सिद्धांतों का सिग्निफिकेंस क्या होता है हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लासेस में हम देखेंगे हंटिंगटन और ब्रूम्स के बारे में कि वो मानव भूगोल के कौन कौन से तत्वों को बताते हैं, तो उसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।